हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ देख रहे हैं गाइस एससी वर्मा के सॉल्यूशन फ्रॉम लाइट वेव चैप्टर। तो आज हम लोग 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं, दैट इज़ फ्रॉम 32 टू 36 और फिर नेक्स्ट लेक्चर में पूरा चैप्टर हम लोग ख़त्म कर देंगे, एक्सरसाइजेस फ्रॉम 37 टू 41। तो लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं गाइज इस लेक्चर के अंदर। एंड गाइज, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 2 सेकेंड लगेगा आपको, जो रेड बटन है उसको आप क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी आप जो है दबा दीजिए गाइज, ठीक है। उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलने वाला है और आपको भी सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू गाइज फॉर योर सपोर्ट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन क्या है देखिए, द लाइन विथ ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज, the line width of a bright fringe is sometimes defined as the separation between the points on the two sides of the central line where the intensity falls to half the maximum। तो इन्होंने खुद ही देखो यहाँ पे explain किया हुआ है कि question की meaning क्या है। तो the line width of a bright fringe is sometimes defined as the separation between the points on the two sides of the central line where the intensity falls to half the maximum, ठीक है। मतलब कि जो हमारा सेंट्रल पॉइंट होता है फ्रिंज में, तो जहाँ पे हाफ इंटेंसिटी आती है उस पॉइंट से लेकर जो इधर आती है उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है गाइस, उसको हम लोग लाइन विथ ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज कहते हैं। जहाँ पे इंटेंसिटी इधर हाफ आती है आई मैक्स बाई टू और जहाँ पे इधर आई मैक्स बाई टू आती है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसको लाइन विथ ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज बोला जाता है। फाइंड द लाइन विथ ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज इन अ YDSE इन टर्म्स ऑफ लैम्डा डी एंड कैपिटल डी विद सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है क्योंकि 2 बार हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि हाफ ऑफ द मैक्सिमम किस पॉइंट पे आता है गाइस, तो वो आपको अब याद रहना चाहिए गाइस। तो डी बाई डी तो होता ही है ना, कैपिटल डी बाई डी, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होता गाइस, लैम्डा बाई 4, ये याद रखना है आपको। तो इतना ये इस साइड है यानी कि पॉजिटिव में इतना है, लैम्डा बाई 4 डी बाई कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और इतना ही क्योंकि प्लस माइनस होगा ये, तो इतना ही नीचे होगा आपका। तो इन दोनों को अगर सम करें तो हमारा वो आंसर होगा गाइस। तो यू कैन सम बोथ ऑफ देम, लेमडा बाई 4 प्लस लेमडा बाई 2, 4 क्या हो जाएगा लेमडा बाई 2 या 2 टाइम्स ऑफ दिस हो जाएगा। तो आप क्लियरली लाइन विथ बोल सकते हो गाइस, कितना आएगा लाइन विथ, ये याद भी रखना, कभी पूछा भी जा सकता है आपसे, फिर ये इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपके साथ शेयर ना की जाए कि लाइन विथ का क्या मीनिंग होती है, एंड दे कैन आस्क यू द आंसर। तो ये हमारी लाइन विथ है, रिमेंबर दिस, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 32 आ गया आपको समझ में। अब लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर, जो है कौन सा क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं गाइस हम लोग यहाँ पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कंसीडर द सिचुएशन सोन इन द फिगर। तो अच्छे फिगर के लिए आप बुक को रेफर करिए। द टू स्लिट्स S1 एंड S2 प्लेस सिमेट्रिकली अराउंड द सेंट्रल लाइन आर इल्यूमिनेटेड बाई मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेव लेंथ लेमडा, ठीक है। यानी कि 2 स्लिट हैं, एक S1 है एक S2 है, उनको सिमेट्रिकली प्लेस किया गया है और सेंट्रल लाइन आर इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ जो यूज़ कर रहे हैं लैम्डा है, इन दोनों के बीच में स्मॉल डी का डिस्टेंस है। द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज डी, वो भी दिया है। द लाइट ट्रांसमिटेड बाय द स्लिट्स फॉल ऑन द स्क्रीन 1, ये स्क्रीन 1 है हमारा, दिस वन जो ये वाली स्क्रीन है ये स्क्रीन 1 है, प्लेस्ड एट द कैपिटल डी डिस्टेंस। तो दिख रहा है आपको इन दोनों के बीच में कैपिटल डी डिस्टेंस है। द स्लिट S3 इज अ सेंट्रल लाइन, ओके। तो स्लिट S3 यहाँ पे सेंट्रल लाइन है, यहाँ कुछ नहीं है, ये यहाँ पे देखो बीच में है बिल्कुल S3, ओके। एंड स्लिट S4 इज एट अ डिस्टेंस Z, ये वाला स्लिट, ये देखो यहाँ पर है, वो कुछ Z दूरी पे गाइस, ठीक है। एंड द स्क्रीन इज नाउ देन कैप्ट हियर, जिसको हम लोग स्क्रीन 2 शायद दिख रहा हो आपको, स्क्रीन 2 इज प्लेस्ड एट फर्दर डिस्टेंस डी फ्रॉम हियर, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी ऑब्जर्व्ड ऑन स्क्रीन 2
इफ जेड इज इक्वल टू, ठीक है, तो जेड जब लेमडी लेमडा बाई टू टाइम्स डी बाई डी है गाइस, तो सबसे पहले आप देखो कि जो सेंट्रल लाइक एस थ्री के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखो इसका पाथ डिफरेंस जीरो है गाइस। अब जब पाथ डिफरेंस जीरो होता है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी बनती है गाइस सेंट्रल, यहाँ पे सेंट्रल हो गया सेंट्रल पॉइंट, वहीं तो आप देखते हो कि मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो एम्पलीट्यूड आएगा ए वाले केस में, चलिए ए केस हम लोग यहाँ ले लेते हैं, ये तो एस थ्री पे आपको देखने को मिल रहा है कि इट्स अ मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड की आई है, और वो हमारा यहाँ पर होगा एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू टू ए, क्योंकि दो जगह से आ रही है इस एम्पलीट्यूड ए पार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो एम्पलीट्यूड जो आ रही हमारी टू आर बोल देते हैं इसको, ठीक है। एंड देन व्हाट हैपेंस कि दूसरे के बारे में देखो आप, एस फोर के लिए क्या हो रहा है, एस फोर में देखो क्या हो रहा है कि लेमडा बाई टू डी बाई डी, क्योंकि जेड की वैल्यू ही मैटर कर रही, तो डी बाई डी आप तो छोड़ दिया करो, ठीक है, और ये लेमडा बाई टू पे आप फोकस करो। लेमडा बाई टू मतलब कि जब भी क्या होता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ लेमडा बाई टू होता है तो वहाँ पे तो जो है डार्क बनता है, क्या बनता गाइस, डार्क फ्रिंज बनती वहाँ पर, तो डार्क पे तो इंटेंसिटी जीरो होती है। ये देखो यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड हाईएस्ट है और यहाँ पे वेव का एकदम जीरो एम्पलीट्यूड वाला पार्ट आ गया गाइस, तो वहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो है, तो वहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू जीरो। ये कौन सी जगह पर है, ये एस फोर के बारे में बात कर रहे हैं और ये एस थ्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो एम्पलीट्यूड है वो जीरो है। अब आपको पता है कि आई मैक्स बाई आई मिन कैसे निकालते हैं हम लोग, आई थिंक ये पार्ट कर लेंगे तो अगले आप अपने आप ही कर लोगे, तो मैं फिर जल्दी जल्दी करूँगा वो, ठीक है। 2R माइनस जीरो है ना, इनका स्क्वायर करना पड़ता है। अब ये तो आप क्लियरली देख सकते हो 4R स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर 1 आएगा, तो पहला पार्ट हो गया गाइस। अब सेकंड पार्ट में हम लोग बढ़ते हैं और वहाँ पर देखो क्या बोला गया है, पीछे जाना पड़ेगा हमें, तो पीछे देखो तो लेमडा डी बाई डी। अब लेमडा डी बाई डी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो लेमडा है गाइस ये, ठीक है, ये क्या है लेमडा, लेमडा मतलब क्या हुआ गाइस, यहाँ तो डार्क फ्रिंज नहीं, यहाँ तो ब्राइट फ्रिंज बनता है ना जब आपका एन लेमडा होता है, लेमडा टू लेमडा थ्री लेमडा, लेमडा बाई टू पे आपका जो है डार्क फ्रिंज बनती है लेकिन ब्राइट फ्रिंज आपकी लेमडा पे बनती है। इसका मतलब यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि एस फोर पे भी आपका मैक्सिमम आ रहा है और S3 पे तो एनी हाउ हम लोग देख चुके हैं कि क्या है, तो वहाँ तो 2R आ ही रहा था S3 पे एम्पलीट्यूड, S4 पे भी 2R आ रहा है गाइस, तो फिर तो आई मैक्स बाई आई मिन बड़ा ही आसान हो गया, मैक्सिमम दोनों का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा दैट इज 2R प्लस 2R का होल स्क्वायर लिखना होगा, और ये आपका 2R माइनस 2R गाइस उसका स्क्वायर। अब क्लियरली ये तो नीचे डिनोमिनेटर में जीरो जा रहा है, ऊपर तो कोई फाइनाइट क्वांटिटी आ रही, तो ये इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा गाइस। तो सी पार्ट में अब हम लोग बढ़ते हैं और देखते कि सी पार्ट में कितना बोला है, तो सी पार्ट में बोल रहे हैं लेमडा डी बाई फोर डी, ठीक है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेमडा डी बाई फोर डी दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ये आप अभी भी पिछले क्वेश्चन में भी आप देखें, सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं यही केस आपको नज़र आ रहा है कि जब लेमडा बाई फोर होता है तो हमारा जो इंटेंसिटी होती है इस पॉइंट पे, इंटेंसिटी जो होती है दैट इज आई मैक्स बाई टू, आई मैक्स बाई टू हो जाती है यहाँ पे जो इंटेंसिटी होती है, तो एम्पलीट्यूड वहाँ पे रूट टू आर हो जाता है, एम्पलीट्यूड इज रूट टू आर, ठीक है, क्लियर है। तो यानी कि यहाँ पर रूट टू आर, ये देखो थोड़ा सा बीच में है यहाँ पर रूट टू आर, और वहाँ तो आपको पता है कि एस एस थ्री पे टू आर होता है, तो इन्हीं को ऐड करना है, इन्हीं को सब्ट्रैक्ट करना है गाइस, तो टू आर प्लस रूट टू आर अपॉन टू आर माइनस रूट टू आर का होल स्क्वायर अपॉन टू आर माइनस रूट टू का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लो थोड़ा सा, टू प्लस रूट टू अपॉन टू माइनस रूट टू का होल स्क्वायर है ना, इसको जब आप सॉल्व करते हो तो यू गेट 34, ठीक है, आपका आंसर कितना आता है गाइस, 34 आपका आंसर आता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा
आंसर यहाँ से आ गया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33 गाइज। अगर आपको बिल्कुल हेल्प मिली हो इस क्वेश्चन को करने में तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू लाइक द वीडियो, इट जस्ट टेक्स 1 सेकेंड टू यू, लेकिन उससे क्या होता है हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आपके लिए वी आर कनेक्टेड विद यू। आप अगर हमें जो है मोटिवेट करेंगे और बच्चे आएंगे देन वी विल बी स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन दिस, है ना। अगर कोई ऑडियंस ही नहीं होगा, हम किसी की हेल्प ही अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या मतलब है फिर टाइम देने का, ना। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। आपका सपोर्ट हमें जो है और स्टूडेंट्स तक पहुंचने में हेल्प करेगा गाइस, ठीक है। तो कौन से क्वेश्चन में थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर विच क्वेश्चन 34 क्वेश्चन करने जा रहे गाइस। तो लेट्स सी कि क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है। तो फिगर दिया गया गाइस, क्वेश्चन नंबर 34 लुक्स लाइक सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 33 ओनली। यहाँ पे क्या है, कंसीडर द अरेंजमेंट शोन इन फिगर फॉर बेटर फिगर्स। ये तो मैंने जस्ट ऐसे बनाया गाइस, आप बुक में देख लो अच्छे से फिगर को देखने के लिए। शोन इन द फिगर 17E7 बाई सम मैकेनिज्म द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स S3 एंड S4 कैन बी चेंज। लास्ट टाइम क्या था, वो फिक्स था और वो इन्फॉर्मेशन आप को पता है कि जेड को ही हम लोग चेंज कर रहे थे गाइस। द इंटेंसिटी इज मीजर्ड एट द पॉइंट पी विच इज एट द कॉमन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ S1 एंड S2 के बीच में है एंड ऑल्सो बिटवीन S3 एंड S4। बेसिकली दिस इज S3 एंड S4 एंड वेन जेड इज इक्वल टू डी लेमडा बाई 2D द इंटेंसिटी मीजर्ड एट पी इज आई। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब आपका डी लेमडा बाई 2D यानी जब लेमडा बाई 2 है तो इंटेंसिटी देखा गया आई है। फाइंड द इंटेंसिटी वेन जेड इज इक्वल टू, यानी कि उसका जब हाफ हो जाए डी लेमडा बाई डी, जब 3 times हो जाए उसके तो क्या होगा, और जब आपका 4 times इसके हो जाए जेड देन वॉट हैपन्स, दिस इज वॉट इज बीन आस्ड। तो ये इस बार क्या है कि S3 और S4 के बीच में डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं गाइस। तो पहला पार्ट करते हैं हम लोग कि अगर जेड इज इक्वल टू डी लेमडा बाई स्मॉल डी है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जेड की ये दूरी हो तो आप देख ही रहे हो, तो आप देखोगे कि ये जो लेंथ OS3 और OS4 है हमारा, OS3 और जो OS4 है इनको अगर हम लोग देखेंगे गाइस, लेट मी सी द फिगर, फिगर थोड़ा सा गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी ओपन द बुक एंड सी द फिगर, कि थोड़ा सा फिगर इज नॉट क्लियर हियर। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के पहले ना गाइस, ओके। तो S3 S4 जस्ट S1 S2 के सामने और इनके बीच की डिस्टेंस हमें जेड दी गई है, ठीक है, तो करेक्ट है, ऐसा ही है फिगर। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर कि यहाँ पर जो हमें दिया गया दैट इज डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। तो अगर OS3 और OS4 हम लोग देखें तो दिस विल कम आउट टू बी लेमडा डी बाई लेमडा बाई 2, यानी कि आधा हो जाएगा। OS3 इज इक्वल टू, तो क्योंकि इक्वल दूरी पे है ये, तो लेमडा बाई 2 टाइम्स डी बाई स्मॉल डी, ये लेंथ आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ गाइस, अंडरस्टैंड, जब भी लेमडा बाई 2 होता है तो डार्क फ्रिंज बनती है, तो यहाँ पर भी डार्क बन रही और इसका मतलब यहाँ पर भी डार्क, तो दोनों ही जगह अगर लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2 है तो डार्क फ्रिंज बनेगी। तो इंटेंसिटी, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग द इंटेंसिटी एट द पॉइंट पी, दैट इज गोइंग टू बी 0। तो ए पार्ट के लिए आपके लिए इंटेंसिटी जो आ रही है दैट इज नथिंग बट 0। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है, कि इंटेंसिटी क्यों यहाँ पर 0 होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो ये पहला पार्ट था, फिर सेकेंड पार्ट है गाइस, उसमें देखना पड़ेगा हमें क्या लेंथ है। 3D लेमडा बाई टू, यानी कि 3 लेमडा बाई 2 डी बाई डी, तो लिख लेते हैं हम 3 लेमडा बाई 2 डी बाई डी, ये है गाइस। अब आपको देखो यहाँ पर क्या है कि डेल्टा एक्स देखेंगे तो इसका हाफ लेंगे हम लोग, तो 3 लेमडा बाई 4 डी बाई स्मॉल डी। अब देखो ये बिल्कुल सिंपल है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 3 लैम्डा बाई 4 डी बाई डी पे क्या होता है।
ठीक है, तो ये आप क्या करो, देखो फेज डिफरेंस यहाँ से निकालो सबसे पहले. व्हाट यू शुड डू कि पता करो कि इसके करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस क्या है. जैसे 2π λ × 3λ/4 ऐसे करो, लेमडा बाई लेमडा कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 3π/2 है ना, ऐसे हो गया 3π/2. अब इधर से भी सेम ही आएगा, तो इधर से भी आपका 3π/2 आ रहा है. ठीक है, तो दोनों 3π/2 अगर सेम ही टाइप से आ रहे हैं, देन यू शुड चेक कि भाई यहाँ पर क्या इंटेंसिटी आएगी दोनों की वजह से. दोनों के एम्पलीट्यूड आप देखोगे, एंड विद द एम्पलीट्यूड यू विल बी पुटिंग दिस वैल्यू कॉस 3π/2 इन बिटवीन. ठीक है, वो आप यहाँ पर करोगे गाइस. तो आप देखोगे कि इंटेंसिटी जो आपकी यहाँ पर आएगी, दैट इंटेंसिटी इज नथिंग बट आई, क्योंकि आई मैक्स बाई टू आने वाला है गाइस, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई मैक्स बाई टू दोनों का जब आप ऐड करते हो तो आपको आई मिल जाता है यहाँ पर. ठीक है, और इसी तरीके से सी पार्ट. ठीक है, अगर मैं सी पार्ट को देखूँ तो यहाँ पे दिया गया 2λ d/d, 2λ d/d यही तो है. तो यानी कि कितना कितना हो गया गाइस, दिस इज लेमडा लेमडा है ना, दोनों की वजह से कितना आ रहा है, λ times d/d λ d/d. तो यहाँ क्या होता है, यहाँ लेमडा जब आता है तो ब्राइट फ्रिंज बनता है, यानी कि मैक्स होता है वहाँ पर, तो दोनों का ऐड हो जाएगा, यानी कि 2i हो जाएगा. इसकी वजह से आई आ रहा है, उसकी वजह से भी आई आ रहा है, और दोनों मैक्सिमम है, यानी फुल इंटेंसिटी दे आर गिविंग, तो i + i इज वॉट, 2i. ठीक है, तो समझ में आया. तो इसी टाइप से आपको जो है प्रॉपरली चीज़ों को देखना होगा गाइस, कि व्हाट इज हैपनिंग एंड हाउ मच पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस इज कमिंग इन बिटवीन. तो सेंट्रल लाइन से कितना फेज डिफरेंस है और आपस में कितना फेज डिफरेंस है, उन दोनों चीज़ों को अगर आप जो है, क्योंकि देखो दोनों के एम्पलीट्यूड सेम होगा. अगर मैं इस वाले पार्ट के बारे में बात करूँ तो 3λ/2 से उनके बीच का फेज डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं. तो 3λ/2 के करस्पॉन्डिंग कितना होगा, जस्ट फाइंड आउट दैट, 2π/λ × 3λ/2, 2 कैंसिल, λ कैंसिल, तो 3π आ रहा है. ठीक है, तो कॉस में जाके आप 3π वैल्यू रख दो, तो क्या होगा, देखो a² + a² - 2a² cos of 3π है ना, ऐसे ऐसे आप वैल्यूज को रखोगे, एंड देन यू विल फाइंड आउट कि अंडर रूट लोगे इसका, तो 2a² ना, फिर वैल्यूज को आप यहाँ पे रख दो, एंड यू विल गेट कि इंटेंसिटी इज कमिंग आउट टू बी आई. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35. दैट इज़ अ सोप फिल्म ऑफ थिकनेस. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. अब हम नए टॉपिक में आ गए हैं जहाँ पे क्या होता है, जो फिल्म की थिकनेस वगैरह की वजह से जो पार्ट डिफरेंस आता है उसको हम लोग देख रहे हैं. अ सोप फिल्म ऑफ थिकनेस 0.0011 mm अपीयर्स डार्क व्हेन सीन बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 580 नैनोमीटर. देन व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द सोप सोल्यूशन इफ़ इट इज़ नोन टू बी बिटवीन 1.2 and 1.5. अब देखो यहाँ पे अगर मैं डी देखूँ, क्या दिया गया हमें थिकनेस, तो दैट इज 0.0011 mm. ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 11 × 10⁻⁷ meter, ऐसे लिख सकता हूँ इस थिकनेस को. एंड इट इज़ रिफ्लेक्टेड बाई द वेव लेंथ, उसको भी लिख लेते हैं प्रॉपरली, 580 × 10⁻⁹. व्हाट इज़ द इंडेक्स, यानी कि म्यू मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को. अब ये कहाँ है, कैसे है, 1.2 and 1.5, वो सब हम लोग देखेंगे. लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि डार्क आने की कंडीशन क्या होती है इन केस ऑफ फिल्म, है ना. तो देखो सबसे पहले यू शुड अंडरस्टैंड कि 2μd, ठीक है, जो सोप फिल्म है उसमें 2μd का पाथ डिफरेंस होता है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू जो है n λ, तब आपका डार्क आता है. 2μd = n λ, तो म्यू निकालना हमको, तो म्यू कैन बी रिटन एज n λ/2d. ठीक है, अब n λ/2d, अब इसमें हम लोग वैल्यूज रख दें बेसिकली,
सारी वैल्यूज रख दे, फिर n की अलग अलग वैल्यूज रखेंगे एंड वी विल सी कि 1.2 और 1.5 के बीच में किस n के लिए आएगा। तो चलो वैल्यूज रख देते हैं सबसे पहले इधर, तो म्यू इज इक्वल टू, इधर रख देते हैं, म्यू इज इक्वल टू n तो पता नहीं, लेमडा तो पता है एटलीस्ट, तो 580 इंटू 10 की पावर माइनस 9 अपॉन 2 इंटू डी कितना है, डी दैट इज 11 इंटू 10 की पावर माइनस 7, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज व्हाट इज कमिंग आउट। अब अगर हम लोग इसको एक जीरो का कैंसिल करें तो ये आएगा 10 की पावर माइनस 8, इसको ऊपर भेजें तो ये 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर, और उससे क्या होगा कि वी विल हैव n इंटू 58 इंटू 10 की पावर माइनस 1 अपॉन 22, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये n हमें पता नहीं, n की वैल्यूज रखनी होंगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करो गाइस, तो अगर मैं इसको 2 से जैसे मल्टीप्लाई कर लूँ, ऐसे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, तो ये 2n है, ठीक है, एंड दैट इज़ लाइक 5.8 इंटू 5.8 अपॉन 44, ऐसा आ रहा है, ठीक है। इधर लिखता हूँ मैं 2n इंटू कितना हो जाएगा, फिर आप इसको सॉल्व करते हो तो 0.132 आता है, ठीक है। अब इसको इस तरीके से हम लोगों ने किया सो दैट कि डेसिमल में इसी इनके इसी टाइप से दिखे, जैसे कि कुछ मल्टीप्लाई करें 1 3 1 2 1 5, है ना, उसी टाइप से। अब क्लियरली यहाँ पर हम लोग अगर n को 5 रख दें तो ये 10 बन जाएगा और ये 1.32 आ जाएगा, तो यानी कि फॉर n इज इक्वल टू 5 जो म्यू हमारा आएगा दैट इज़ 1.32, ठीक है। मतलब आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप n की अलग अलग वैल्यूज़ रख के देखो और देखो कौन सा म्यू, तो जल्दी करने के लिए आप इस तरीके की स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बोल रहे हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 560 नैनोमीटर फॉल्स ऑन अ थिन फिल्म ऑफ ऑयल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन, वॉट शुड बी द मिनिमम थिकनेस, इस बार थिकनेस यानी डी पूछा है, सो दैट इट स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट्स द लाइट। तो पिछली बार मिनिमम रिफ्लेक्शन था तो लेमडा के टाइम्स हमारा था, लेकिन जब होना बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो तो पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ लेमडा बाई 2, ये याद रखना गाइज आपको, 2 म्यू डी इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 2, तो स्मॉलर थिंग्स हैं, यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस। सो म्यू तो एनी हाउ वी नो, सो दिस इज 2n प्लस 1 इंटू लेमडा और ये चला जाएगा यहाँ पर 4 म्यू। अब आपको क्या करना है, अब d आपको क्या मिनिमम चाहिए, d मिन मिनिमम चाहिए, तो n वेरिएबल है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वो भी मिनिमम होना चाहिए, तो n को 0 रख दिया, पुट n इज इक्वल टू 0, सो दिस इज बेसिकली लेमडा बाई 4 टाइम्स म्यू, यही आएगा लेमडा बाई 4 टाइम्स म्यू। जस्ट पुट द वैल्यूज, लेमडा की वैल्यू है 560 इंटू 10 की पावर माइनस 9 एंड दिस इज 4 इंटू 1.4, तो अब आप देख लो 14 ये 56 ही होता है 5.6, तो ये तो बड़े आसान हो गया ना, डी मिन इज नथिंग बट इट्स अ 100 नैनोमीटर, ठीक है गाइस। तो थैंक यू गाइस फॉर योर टाइम एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं कि यहाँ पे आके आप जो है एस सी वर्मा के क्वेश्चंस के सोल्यूशन देख सकते हैं, और इसी तरीके से धीरे धीरे आप पूरी बुक भी ख़त्म कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।